पानीपत में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने के कार्यक्रम में लोकसभा सांसद राजकुमार सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम शुरू होने से पहले सैनी द्वारा बनाए गए लोकतंत्र सुरक्षा मंच से जुड़े चलचित्र दिखाने के साथ भाजपा के सांसद ने अपनी ही पार्टी की नीतियों का विरोध करते हुए कहा कि हमने जिन नेशनलिस्टों के हाथ में देश की बागडोर सौंपी है उसी की मुखिया यानी प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विकास जैसे भाषणों से काम नहीं चलेगा, कुछ अलग करना होगा। अब समय आ गया है नया राजनीतिक दल बनाकर हरियाणा में कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे दूसरे प्रदेश की सरकार प्रेरणा ले सके। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने भी दादागिरी के सामने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने कहा कि क्रूरता व जुर्म के सामने झुकना सबसे घृणित कार्य है। राजनीति में इतना कचरा भरा हुआ है, अब राजनीति ही गाली लगती है। कोई नेता आज दादागिरी के सामने आवाज नहीं उठाता, पिछले 70 सालों से भाषण सुन सुनकर लोगों के कान पक चुके हैं। उन्होंने कहा कि 100% आरक्षण का वक्त आ गया है, वो भी जनसंख्या के आधार पर ना कि आर्थिक आधार पर। आरक्षण किए जाने की मांग का समर्थन किया जाए। इस देश को जो इसके अंदर जितना कचरा राजनीति में भर गया है, आज राजनीति कहने का नाम है गाड़ी ना दी राजनीति का आदमी कह दिया या नेता कह दिया, ऐसी पोजीशन पे अब नेताओं की भूमिका बची हुई है। प्रधानमंत्री को अपना आदर्श मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो सिस्टम डेवलप हुआ देश का नकली राजनीति में, कल 3 तलाक का बिल हम ही ने हमारे प्रधानमंत्री के भावों के मुताबिक उसको पेश किया गया और उसे कांग्रेस के और विपक्ष के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया गया। इस देश के अंदर जो नकली राजनीति है उसको कैसे खत्म किया जाए और सबका साथ सबका विकास कैसे सार्थक किया जाए, मैंने उनका समर्थन किया है। बिल्कुल हम नए समीकरण लाएंगे, जनता के भावों के मुताबिक नया राजनीतिक दल फ्रेम करके जनता से अपील करेंगे कि कहीं से कहीं ना कहीं हम देश के अंदर 100% आरक्षण, एक परिवार एक रोजगार, हम दो हमारे दो, इस देश के अंदर जो जनसंख्या का विस्फोटक रूप सामने आ रहा है, हम कम से कम अपनी एक स्टेट से उसको कायम करके आके देश को दिखाएं, ताकि देश देख करके किसी जगह से अनुसरण करे और इस देश में नकली राजनीति खत्म हो।